लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए और देखते रहिए लंत्रानी न्यूज लाइव। सर गुलाम ने इस्तीफा दिया है, लंबा पेज लिखा उन्होंने, कहा कि राहुल गांधी जी ने उनकी बात नहीं मानी, पार्टी में आधुनिक लोकतंत्र नहीं है, लंबे कुमार जी ने बोला तमाम। संजय गांधी जब थे तो उन्हें बात नहीं मानते थे, ठीक है, उन्हीं के प्रोडक्ट है गुलाम ने आजाद भी और अन्य नेता भी। उस जमाने के अंदर जब दौर आया था उस वक्त में संजय गांधी यूथ कांग्रेस में उनके माध्यम से राजनीति शुरू करी देश के अंदर, कि आरोप लगे थे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बन गई है, संजय गांधी बन गए हैं, ये आरोप लगे थे, इंदिरा जी पर लगे थे, ठीक है। उस वक्त की जो प्रोडक्ट है आज जो देख रहे हैं आप देश के अंदर युवाओं को, जो मैं बार बार कहता हूँ, मुख्यमंत्री, पीसीसी प्रेसिडेंट, केंद्रीय मंत्री, एआईसीटी के महामंत्री, 91 वो बने जो संजय गांधी के वक्त में संघर्ष करते थे, सड़कों पर आए थे, इंदिरा गांधी जी खुद चुनाव हार गई थी, सरकार चली गई हमारी। आज जब आंदोलन होते हैं दिल्ली में तो मुझे वो दिन याद आते हैं, संजय गांधी के वक्त में ऐसे आंदोलन हुआ करते थे, उसी की प्रोजेक्ट गुलाम आजाद साहब भी हैं, उसी की प्रोजेक्ट और कई नेता भी हैं, ठीक है। तो हर जो नेता आएगा, आगे आएगा, वो अपने हिसाब से जाजम बिछाता है राजनीति करने की। उस वक्त संजय गांधी जब राजनीति कर रहे थे, फैसले कर रहे थे, क्यों को पसंद नहीं आते थे, उसमें एक मैं भी था, इसमें मैं भी था, ठीक है। तब भी मुझे चांस मिल गया बाय द वे, ठीक है। तो मैं उनकी फैसलों को लाइक नहीं करता था, मैं खुद लाइक नहीं करता था, तब भी मैं मुझे चांस मिला, मैं काम करता गया एनएसयू के अंदर, फिर जिला कांग्रेस अध्यक्ष बना राजस्थान मेरे जोधपुर जिले का, फिर मैं एमपी बन गया, एक लंबी कहानी है। तो गुलाम आजाद साहब टोटली संजय गांधी जी के बहुत करीब रहे हैं, और जब मैं बार बार कहता हूँ उस वक्त में भी कई लोग देश के नौजवान मेरी तरह संजय गांधी के साथ नहीं थे, उनके विचारों का मेल नहीं खाता था, हम खिलाफ थे उनके, ठीक है। ये चलता रहता राजनीति के अंदर। आज राहुल गांधी आए हैं, राहुल गांधी जी अपने हिसाब से किस प्रकार मैं कांग्रेस को आगे ले जाऊं, उनकी अपनी सोच होगी। अगर हमने 40 साल तक संजय गांधी के साथ रह के काम की शुरुआत करी, अनफॉर्चुनेटली वो हमारे बीच नहीं रहे, वो भी एक बहुत उभरते नेता थे, कई लोग आज भी उनको याद करते हैं, उनके कामों को याद करते हैं, उनके फैसलों को याद करते हैं। उस वक्त जो टीम थी 40 साल तक हमने शासन किया, उसमें आजाद साहब भी थे, ठीक है। आजाद साहब का जो मैंने स्टेटमेंट पढ़ा है, मेरे तो मित्र रहे हैं वो, हम लोग 40 महीने साल साथ में हैं, मुझे बहुत आघात लगा है, मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता किन शब्दों में मैं उनके आज के पत्र को मैं किस रूप में कमेंट करूं, क्योंकि 42 साल के साथ हम लोगों का 42 साल के साथ, और उनको पार्टी ने मौका दिया, चाहे वो इंदिरा जी और संजय गांधी जी, गुलाम आजाद साहब की शादी में गए वहाँ श्रीनगर के अंदर, वहाँ से शुरुआत करी कि भाई नौजवान लड़का है ये, आगे बढ़ना चाहिए, उस रूप में इनको उस वक्त से लगा के आज तक 42 साल तक इनको सब पदों पर, चाहे वो कभी महाराष्ट्र आए हों एमपी बनके, तो वहाँ से बनाए इनको दो बार, राष्ट्रपति में आए हो 5-6 बार, तो वहाँ उनको मौका मिला है। अवसर देने में कांग्रेस ने कमी नहीं रखी, हाईकमान ने भी और कांग्रेस ने। आज जो कुछ भी हमारी पहचान देश के अंदर है, 135 करोड़ की आबादी है, कौन किसको जानता है, आज हम लोग जो भी हैं हमारी पहचान कांग्रेस और हाईकमान के विश्वास के कारण है हमारी पहचान। कितने लोगों को चांस मिलता, सबको मिल भी नहीं सकता है, तो
कुछ लोगों को चंद लोगों को चांस मिलता है, तो हाईकमान के सामने कितनी बड़ी चैलेंज होती है सेलेक्ट करने की, कि मैं किनको सेलेक्ट करूं, बाकी लोग क्या सोचेंगे। इस प्रकार से जो आज ये हम लोग 50-60-100 जो भी होंगे, उनमें आजाद साहब भी शामिल हैं, उस रूप में आज 40-42 साल तक एनएसए में उससे पहले से थे, वो मान लो 50 साल होते हैं, तो 42 साल तक जिनको हमेशा पदों पर रखा हो, केंद्रीय मंत्री, एआईसीसी का महामंत्री, प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष, चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का, सब कुछ मिला हो, उनसे कोई देश में उम्मीद नहीं करता था कि आजाद साहब इस प्रकार का पत्र लिख देंगे। पहले सोनिया गांधी जी बीमार थी तो पत्र लिखा, तो लोगों ने अन्यथा लिया कि जब हमारी नेता बीमार है, भर्ती है अस्पताल के अंदर, उस पर पत्र क्यों लिखा गया। अब वो जब चेकअप में गई अमेरिका, तो उस पर पत्र लिख के आप क्या संदेश देना चाहते हो अमेरिका के उनको। ये बड़ी संवेदनशील बात मैं कह रहा हूँ, एक हमारी नेता, हमारी महबूब नेता, जिसने 20 साल से अधिक समय तक हमारे दबाव के कारण से राजनीति में आई हो, वो राजनीति में आने नहीं जाती थी, हम सबने दबाव दिया बार बार, कांग्रेस बचेगी तो आपके नाम से बचेगी वरना कांग्रेस बिखर जाएगी, ये बात मैं कह रहा हूँ 96 की बात कर रहा हूँ, जब सीताराम केसरी बने थे अध्यक्ष तब भी मैं बात कर रहा हूँ, तब भी लोग बिखरने लगे थे आज की तरह। आप बताइए उस वक्त से आज सोनिया जी ने कांग्रेस बचा के रखा, आज वो गई है चेकअप के लिए अमेरिका, और आप पत्र साया कर रहे हो, ये मानव, मैं समझता हूँ कि मानव स्वभाव के खिलाफ है, ये संवेदनशीलता के खिलाफ मैं मानता हूँ। पत्र में ये कहा कि चापलूसों की संख्या बढ़ गई है, इसलिए वो संजय गांधी के वक्त में चापलूस माने जाते थे सब लोग, आज जिनको चापलूस कहते दूसरों को, उस वक्त में गुलाम नबी आजाद साहब लगा के जो जो संजय गांधी साथ थे वो चापलूस ही माने जाते थे, साइकोफेंड माने जाते थे उस वक्त में, पर संजय गांधी ने परवाह नहीं करी, तब जाके आजाद साहब इतने बड़े नेता बने। अगर संजय गांधी उस वक्त जो कहते थे कि चापलूस में गिरे हुए संजय गांधी, उनको अगर मान लो हटा देते, वो संजय गांधी दबाव में हटा देते, जैसी उम्मीद ये राहुल गांधी से कर रहे हैं, तो आज इस देश के अंदर गुलाम नबी आजाद का नाम या जो बाकी नेता जो भी हैं उनका नाम देश में कोई नहीं जानता। हमेशा मैं जब था अध्यक्ष एनएसयू का, तो मेरे खिलाफ में भी कई नेता थे 73-74 के अंदर, अगर मान लो उस वक्त में दबाव में आकर के मुझे हटा देते यहाँ से, मेरे खिलाफ कई बड़े बड़े नेता थे, नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं, अगर हाईकमान दबाव में आके, मैं एक नौजवान था 28 साल का था, मुझे हटा देते मान लो दबाव में, तो आज आपके सामने मैं यहाँ खड़ा नहीं होता। तो ये जो टिप्पणियाँ की गई ना, उचित नहीं कही जा सकती, उचित नहीं कही जा सकती। सर, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बच्चे जैसी बातें करते हैं, सब बोला उन्होंने लिखा, वो बच्चे जैसी बातें वाली वो उस वक्त बोले जाते थे, इनके लिए उस वक्त में, ये आपको हकीकत बता रहा हूँ आपको, उस वक्त में भी संजय गांधी के साथ में अगर ये सब लोग थे, हम जैसे लोग खिलाफ भी थे, और मेरे जैसे लोग टिप्पणी अलग अलग तरीके करते होंगे, कोई इनकी तरह करते होंगे, कोई और ढंग से करते होंगे, पर टिप्पणी उस वक्त भी होती थी संजय गांधी के वक्त में, भयंकर होती थी देश के अंदर। उसके बाद में चांस उनको ही मिला जो इनके पक्ष में थे, ज्यादा मिला उन लोगों को चांस, हम जैसे लोगों को मिला जो साथ नहीं थे, ये चलता रहता है। आज उनको लगता है, मैं तो कह दी ना आपको कि जो इन्होंने कहा आज, अभी तो मैं खुद सदमे में हूँ, एक ऐसा 42 साल का जिसको सब कुछ मिला जिंदगी के अंदर, 42 साल ही बगैर पद के नहीं रहे हो व्यक्ति, आज वो ये मैसेज दे रहे हैं जैसे कि जो मेरे समझ के पड़े। सर, बीजेपी की चाल में फंस रहे हैं क्या क्या, क्योंकि मोदी जी पहले ही कह रहे हैं, पार्लियामेंट में उनसे कहा था हम उनको जरूरत पड़ी तो फिर लेके आएंगे, इस तरह का बोला, क्या उनकी जाल में फंसे हुए हैं ये? मोदी जी क्या बोला उसके अंदर और क्या क्यों बोले होंगे, मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं तो ये कह सकता हूँ कि आजाद साहब जैसे व्यक्ति को जो कांग्रेस ने सब कुछ दिया है, आज पहचान उनके देश में, तो कांग्रेस के कारण से है, इंदिरा गांधी के कारण से है, राजीव गांधी के कारण से है, नरसिम्हा राव जी के कारण से हैं,
और सोनिया गांधी के कांड से उनको ये जो जिस प्रकार भावना प्रकट की है मैं समझता हूँ उचित नहीं कही जा सकती। मैं इतनी कहता हूँ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए और देखते रहिए लंत्रानी न्यूज़ लाइव।